أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون في جهنم داخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم काबिल एहतराम भाइयों बहनों, इंसान जब तक जिंदा रहता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोहताज और मंगता ही बनकर रहता है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान, कोई बड़े से बड़ा बादशाह, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ये दावा नहीं कर सकता कि उसे कभी किसी चीज की मोहताजी नहीं हुई, वो कभी बीमार नहीं हुआ, उसे कभी कोई मुसीबत और परेशानी नहीं आई। हर इंसान जिंदगी के अंदर किसी ना किसी अंदाज से मुसीबतों, परेशानियों से, बीमारियों से गुजरता है और ऐसे हालात में वो अपने परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोहताज होता है। समझदार बंदा वही होता है जो मुसीबत की घड़ियों में और मोहताजी के औकात में अपने रब को पुकारता है, अपने रब के दर पर झुकता है, उसके सामने आजजी का और जिल्लतो इनकसारी का इजहार करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों को पेश कर निदामत और शर्मिंदगी का इजहार करता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों, परेशानियों, आजमाइशों को दूर करने के लिए मिन्नतें, समाजतें और दुआएं और इल्तिजाएं करता है। और जो शख्स ऐसी मुश्किल की घड़ियों में भी अपने रब के दर पर नहीं झुकता, न उस रब के सामने रुकू सजदे करता है, न उस रब के सामने दस्ते सवाल दराज करता है, न उस रब के सामने गिड़गड़ाता है, ना आंसू बहाता है, ना उसको पुकारता है, ये शख्स इंतहाई अहमक और बेवकूफ है और ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंतहाई नापसंद है। बल्कि अल्लाह की नजर में तो ये शख्स मुतकब्बर है, मुतकब्बर। कुरान मजीद की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है वो आयत करीमा सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 है और इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तमाम इंसानों को, तमाम बंदों को यह हुक्म दिया है, यह पैगाम पहुंचाया अल्लाह पाक ने अपना कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि तुम्हारा रब यह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मेरे सामने गिड़गड़ाओ, निदामत और शर्मिंदगी का इजहार करो, इस्तगफार करो और जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर और बड़ाई की वजह से अपने आप को बड़ा समझते हुए
जो लोग मेरे सामने हाथ उठाने से, दुआ करने से, मांगने से किनारा कशी करते हैं, याद रखना कि अनकरीब वो जलीलो रुसवा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अजब बादशाह है कि अगर उससे ना मांगा जाए तो नाराज होता है। दुनिया के इंसान, दुनिया के बादशाह, अगर उनसे बार बार मांगा जाए तो वो नाराज होते हैं। और ये कायनात का शहंशाह, ये बादशाहों का बादशाह, ये ऐसा सखी बादशाह है कि ये अगर मांगा जाए तो खुश होता है और ना मांगा जाए तो नाराज होता है। मांगना, इल्तजा करना, दुआ करना, ये इंसान की हमेशा जरूरत है। अजल से अब तक ये इंसान की जरूरत है, हाजत है। और हर इंसान रब के दर का मंगता और सवाली है। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाही जमीया, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ गरीबों नहीं कहा, ऐ बीमारों नहीं कहा, ऐ कमजोरों नहीं कहा, ऐ मुसलमानों नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन नास, ऐ लोगो, सब इंसान इसमें दाखिल और शामिल। या अय्युहन नासु, ऐ लोगो, अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े हो, मोमिन हो या काफिर, अमीर हो या गरीब, सब अल्लाह के दर के सवाली, मोहताज और जरूरतमंद। इसलिए क्या फरमाया, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाही जमीया, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर और मंगते। इंसानों में से सबसे अजमत, मुकाम, फजीलत, शान वाले इंसान और अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? अंबियाए किराम। सारे अंबियाए किराम सारी जिंदगी अपने रब को पुकारते रहे। कुरान मजीद बड़ा पड़ा है अंबियाए किराम की दुआओं से, इल्तजाओं से। और फिर आखिरी पैगंबर, हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी कुरान में मौजूद, और अहादीस में तो आपकी दुआओं के ऐसे अनगिनत मोती सहाबा इकराम ने जमा कर दिए हैं कि ऐसे लगता है उनको पढ़कर कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी रब से दुआएं करते रहे, हर मौका पे अल्लाह को पुकारो, हर अहम मोड़ पे अपने रब से दुआ की। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से, बेशुमार मौके पर की जाने वाली दुआओं में से एक मौका दुआ का, वो अल्लाह की तौफीक से आज के इस खुतबाए जुमा में आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। और वो दुआ का, वो इल्तिजा का, वो पुकारने का मौका है जब मुसलमानों पे कोई मुसीबत हो, जब मुसलमान किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, जब मुसलमानों पे काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं की तरफ से जुल्मों बर्बरियत और जुल्मों सितम ढाए जा रहे हो, जुल्मों बर्बरियत की इंतहा की जा रही हो, और वो वहशी दरिंदे जब मुसलमानों के खून के प्यासे हों, उम्मते मुस्लिमा
कर्ज से कराह रही हो, ऐसे हालात में भी मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को बतौर खास पुकारा करते थे। आज फलस्तीन में यहूदियों और ईसाइयों के मुश्तरका इत्तेहाद से दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्दों के इत्तेहाद से छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह की कसम इन्होंने बड़े बड़े फिरौनों को मात दे दी है। हर रोज जुल्म और जबर की एक नई दास्तान, हर रोज जुल्म और सितम की एक नई कहानी, और कोई भी दर्दे दिल रखने वाला इंसान इन चीजों को, इन जुल्म और सितम को और जुल्म और सितम की इन दास्तानों को सुनकर दुख दर्द महसूस किए बगैर और लर्जे बगैर नहीं रह सकता। कभी ये पिछले 2-3 दिन की अखबारात की खबरें पढ़ लें, अल शिफा हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल गजा का, जिसके अंदर हजारों की तादाद में मर्द औरतें और बच्चे जख्मों से करा रहे थे, मौत और हयात की कश्मकश में थे, उस अस्पताल के ऊपर भी इन इंसान नुमा बेड़ियों ने जबरदस्त किस्म की बीमारी करके उसको राख का ढेर बना दिया। और उसके बेसमेंट के अंदर जो मेडिसिन का स्टॉक था सबसे बड़ा, उसको उन्होंने बमों से उड़ा दिया और बहाना यह बनाया कि यहां मुजाहिदीन छुपे हुए। और फिर दुनिया के मीडिया ने देखा और बयान किया कि वहां से ना कोई मुजाहिद बरामद हुआ और ना ही वहां कोई असलहे का डिपो था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहां मेडिसिन थी मेडिसिन। परसों के अखबार में वहां के हॉस्पिटल का सर्जन जो बच्चों के ऑपरेट कर रहा था, उसने बच्चों की बेशुमार डेड बॉडियां अपने सामने रखी। अब वहां कोई मौलवी साहब को, आलिम इमाम को कहां ढूंढे जनाजा पढ़ाने के लिए, इतने जनाजे। अब वहां जंग के हालात हैं, वो सर्जन डॉक्टर बच्चों की डेड बॉडियों सामने रखे हुए खुद ही जनाजा पढ़ा रहा है। बहरहाल ऐसे हालात के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुतहरा हमारे सामने है। दीने इस्लाम अपने मानने वालों को किसी भी हालत में बेयारो मददगार नहीं छोड़ता और हर हालत में उनकी पूरी पूरी रहनुमाई करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और नमूना ऐसे हालात में क्या था? आप फर्ज नमाजों में रकू से खड़े होकर सजदे में जाने से पहले दोनों हाथ उठाया करते थे और दोनों हाथ उठाकर इन जालिमों और इन दरिंदों के लिए बद्दुआ किया करते थे और कमजोर मजलूम बेबस मजबूर बच्चों औरतों के लिए उनके हक में दुआ किया करते थे। उलमाए किराम इसको एक खास नाम देते हैं, कनूत नाजिला। कनूत का माना होता है दुआ और नाजिला का माना होता है किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना। कनूत नाजिला वो दुआ जो उम्मत के किसी मुसीबत में मुबतला और गिरफ्तार हो जाने के मौका पर की जाती है, उसे कनूत नाजिला कहा जाता है।
जिस तरह कनूते वितर होती है, वितर की नमाज में रकू से पहले या रकू के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम अहदिनी फी मन हदैत। ये भी उसी किस्म की एक कनूत है। और ये सिर्फ वितरों में नहीं, वितरों में भी कर सकते हैं और फर्ज नमाजों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ किया करते थे। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं सहाबा इकराम की मजलिस है और कहते हैं, वल्लाही लअक़रिबन्ना बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के करीब तरीन हूं। यानी जो मैं नमाज पढ़ता हूं ना, अल्लाह की कसम मैं सबसे ज्यादा कॉपी करता हूं अल्लाह के रसूल की नमाज को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद रावी बयान करते हैं, फकान अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कानता फिज़्ज़ुहरी वल इशाइल आखिरति व सलाति सुबह। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोहर में भी और इशा में और फजर की नमाज में कनूत किया करते थे। वयदउआ लिलमुमिनीना वयल अनुल कुफार। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसमें करते क्या थे, ईमान वालों के हक में दुआ करते थे और काफरों पर लानत और उन पर अल्लाह के अजाब की दुआ करते थे। और कहते क्या थे ये करके, कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज पढ़ता हूं। अल्लाहु अकबर। हम नहीं कहते कि सिर्फ दुआ पर ही भरोसा और तवक्कुल करके बैठे रहे। ये किसने कहा है? बदकिस्मती से आज मुसलमान दुआ के मुतल्लक भी शकूक और शुबहात पैदा करते हैं। जी दुआ करने से क्या होगा, तो तेरे दुआ ना करने से क्या हो गया? तू बता दे कि तूने दुआ नहीं की इतने अरसे से, फिर क्या हो गया? दुआ भी करनी है, उसके साथ साथ इन काफरों की दवा भी करनी है, इनके खिलाफ अलमे जिहाद भी बुलंद करना है, इनकी मसनूआत का बायकॉट भी करें, इनके कल्चर, इनकी तहजीब और इनकी सकाफत से नफरत भी करें, इनको अपना दुश्मन भी ख्याल करें, जिहाद को मजबूत भी करें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कमियों कोताहियों की अल्लाह से बख्शिश भी मांगे। जिस वजह से उम्मत पे आज ये मुश्किल और कड़ा इम्तिहान पड़ा हुआ है, उन चीजों की अल्लाह से माफी मांगे। तूबू इलल्लाही जमीया अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालों सब अल्लाह से इज्तमाई तौबा, सारा कुछ करें लेकिन उसके साथ साथ दुआ को भी अहम समझ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ तो तकदीर भी बदल देती। तो ये कहना कि दुआ से क्या होगा, सच्ची बात है ये कुफरिया जुमला है, कुफरिया, ये बड़ा मुतकब्बराना जुमला है। जैसा कि मैंने सूरह गाफर की आयत मुबारक आपके सामने आगाज में तिलावत की, ये तकब्बुर का इजहार है दुआ से क्या होगा। अल्लाहु अकबर। हां ये बात ठीक है कि सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुआ की कबूलियत के भी कुछ तकाजे रखे, उन तकाजों को भी पूरा करना है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा
उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी कनूते नाजला किया करते थे। वो ईमान थे और वो कनूते नाजला करवाया करते थे। बाद लोगों ने सूरह आले इमरान की एक आयत करीमा की वजह से धोखा खाया और उस आयत मुबारका की वजह से उन्होंने ये समझ लिया कि ये कनूते नाजला मनसूख हो गई है। हैरत की बात है, भला अल्लाह से मांगना भी कभी मनसूख हो सकता है? क्या मांगने की हाजत और जरूरत खत्म हो गई थी? क्या काफरों और इन जंगली दरिंदों और भेड़ियों के जुल्म और सितम खत्म हो गए थे दुनिया से जो अल्लाह पाक ने इसको मनसूख कर देना था? कुरान मजीद सूरह आले इमरान की आयत मुबारक यह है, लैसा लका मिनल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम अय यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कोई अख्तियार नहीं, आपका इन काफिरों के मामले में कोई अख्तियार नहीं है। चाहे तो अल्लाह पाक इनकी तौबा कबूल कर ले, चाहे तो अल्लाह पाक इनको अज़ाब दे दे, लेकिन ये आयत करीमा एक मखसूस कनूते नाजला थी, एक खास मौके पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल जारी रखे हुए थे और आप उन जालिमों के नाम ले लेकर नमाज में उनके लिए बददुआ करते थे। तो अल्लाह पाक ने उस एक खास वाक्य के सिलसिले में यह आयत नाजल फरमाई कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करें, इनको हलाक करना या ना करना ये हमारा फैसला है, आपका काम है दुआ करना, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना, इल्तिजा करना, एप्लीकेशन देना, आगे हमारा काम है कि हम देखेंगे कि अल्लाह पाक ने इनके मुतल्लिक क्या फैसला करना है या कब अल्लाह पाक ने इनकी हलाकत का फैसला करना। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि कनूते नाजला हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, ये सिर्फ उस एक मौका पे अल्लाह पाक ने आपको हौसला देने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि अब आप बस करें, इनके लिए बद्दुआ बस कर दें। आपने तकरीबन एक महीना बद्दुआ की मुसलसल। बदकिस्मती से बड़े ही दर्द दिल के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आज मुसलमान इतने बेहस हो चुके हैं, मुसलमान तो क्या नमाजी भी इतने बेहस हो चुके हैं, नमाजी तो क्या अक्सर व बेशतर आलमाए किराम भी इतने बेहस हो चुके हैं कि अक्सर व बेशतर मसाजिद में कुनूते नाजला का कोई सिरे से एहतमाम नहीं। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका है, आप उसको तो अख्तियार करें। यह तो अल्लाह की कसम ऐसे हालात हैं कि पांचों नमाजों में कनूते नाजला होनी चाहिए थी और हर मस्जिद में होनी चाहिए थी, लेकिन कोई एहसास है? कई मस्जिदों में तो शायद एक दफा भी इस जुल्म बर्बरियत के पूरे दौर में शायद एक दफा भी कनूते नाजला नहीं करवाई। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कनूते नाजला के मुतल्लिक आपका उसवा, आपका तरीका सही मुस्लिम में भी मौजूद है, मुसनद इमाम अहमद में भी मौजूद है, सही इब्ने खुज़ैमा में, इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने भी बड़ा इस पे तफसील से लिखा है, उन्होंने भी लिखा और इमाम नववी रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है, बड़ा तफसील से लिखा, यह भी लिखा कि यह मनसूख नहीं, और यह भी लिखा कि इस कनूते नाजला के लिए अल्फाज और दुआएं कोई मखसूस नहीं है। आप मसनून दुआएं भी कर सकते हैं, आप कुरान और हदीस में मौजूद दीगर दुआएं भी कर सकते हैं, आप इन काफरों जालिमों के नाम लेकर भी इनके लिए बददुआ कर सकते हैं, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के जालिमों फिरौनों के खिलाफ उनके नाम ले लेके बददुआएं की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सिर्फ फजर की नमाज में, कभी दो नमाजों में,
कभी तीन नमाजों में और कभी पांचों नमाजों में कनूत नाजला का अहतमाम किया। ये डिपेंड करता है हालात की संगीनी पर, सिचुएशन पर, कि मुसलमानों को किस कदर ज्यादा दुआ की जरूरत है। और ये दुआ दर हकीकत मैं समझता हूं कि मुक्तदियों नमाजियों की तरबियत भी है। उनके अंदर हर नमाज में जब कनूत नाजला होगी तो कम अज कम उनको अपने मुसलमान भाइयों पे होने वाला जुल्म और सितम हर नमाज के वक्त याद आएगा। और फिर उनकी और बच्चों की ये तरबियत भी है कि मुश्किल के अंदर फौरन अपने रब के सामने झुकते हैं, फौरन अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं, बार बार अल्लाह के दर पे हाजिर होना और उसको पुकारना, इसकी तरबियत भी मिलेगी। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कनूते नाजला फरमाते पीछे से मुक्तदी आमीन कहा करते थे। ये मुस्नद अहमद की हदीस, मुक्तदी आमीन आमीन कहे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनूते नाजला के बाद चेहरे पर हाथ फेरना, दुआ के बाद हाथ फेरना, यह किसी सही हदीस से साबित नहीं। अब आखिर में चंद दुआओं की तरफ मैं इशारा करता हूं और उनका तर्जुमा आपके सामने अर्ज करता हूं। कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, चंद दुआएं उनकी तरफ मैं इशारा करता हूं। एक मशहूर दुआ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पढ़ा करते थे, एक मशहूर दुआ जो अक्सर कनूत नाजला में पढ़ी जाती, वो दुआ हमें याद भी करनी चाहिए। अगर जमात के बगैर भी हम नमाज कहीं पढ़ रहे हैं, औरतें घरों में नमाज पढ़ रही हैं, वो भी कनूत नाजला का अहतमाम कर सकती हैं रुकू के बाद हाथ उठाकर। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फिर लना, ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह सब ईमान वाले मर्दों और औरतों को माफ फरमा दे। क्योंकि मुसीबतें इंसान के अपने अमाल और अपनी बदअमालियों की वजह से आती हैं। वह अलिफ बई नकुलूबिहिम, या अल्लाह इनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दे। वास्लिह ज़ात बैनिहिम, या अल्लाह मुसलमानों के आपस के मामलात को दुरुस्त कर दे, इनके दिलों में उल्फत डाल दे, ये फटे हुए हैं, काफर सारे जमा हैं। वंसुरहुम अला अदुविका व अदुविहिम, या अल्लाह इनकी मदद फरमा अपने और इनके दुश्मन के खिलाफ। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरतल लदीन, अल्लाहुम्मा लअन, अल्लाह लानत फरमा, अल कफरतल लदीन, उन काफिरों पर जिन्होंने यसुद्दून अन सबीलिका, या अल्लाह जो तेरे रास्ते से रोकते हैं, तेरे दीन पर चलने से रोकते हैं। वह युकज़्ज़िबून रुसुलक, और तेरे रसूलों को झुठलाते हैं। वह युकातिलून औलियाक, या अल्लाह तेरे वलियों को, तेरे दोस्तों को कत्ल करते हैं। ये दुआ याद कर, इसका तर्जमा भी समझ। इसी तरह मैंने दुआ अर्ज की थी अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शेता, असहाबुल हुदूद के किस्सा, अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम, या अल्लाह इनके मुकाबले में काफी हो जा, बिमा शेता, जैसे भी तू चाहता, हमारे सामने तो कोई सूरत को रास्ता नहीं है, तू जैसे चाहता है ना वैसे हमारे लिए इनके खिलाफ काफी हो जा। इसी तरह छोटी सी दुआ है अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना, ए अल्लाह हमारे ऐबों को छुपा दे, पर्दा डाल दे। वह आमिर रौआतिना, और या अल्लाह हमें हमारी घबराहटों में अमन दे। इसी तरह कुरान मजीद में भी कई दुआएं हैं, सूरह आले इमरान, सूरह अल बकरा, जालूत तालूत का मुकाबला हुआ वहां भी दुआ है, ईमान वालों की, इबादुर रहमान की, मुजाहिदीन की दुआएं कुरान में भी मजकूर हैं। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रा, या अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे, पानी की बाल्टी जैसे भर के किसी के सर पर नहीं डाल दी जाती,
ये मतलब है उंडेल दे, या अल्लाह हम पर सबर उंडेल दे, क्योंकि गम और तकलीफ इतनी ज्यादा है कि हमें सबर दे दे नहीं, बल्कि सबर को हमारे ऊपर उंडेल दे। वसब्बित अक़दामना, या अल्लाह हमारे कदमों को जमा दे, हमारे कदमों को जमा दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह काफर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। इसी तरह और भी दुआएं, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इसी तरह सूरह आले इमरान के आखिर में, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हमें ताकत नहीं। वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। वाग़फिर लना, या अल्लाह दरगुजर कर दे, माफ़ फरमा दे। वरहमना, या अल्लाह हम पे रहम फरमा। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू ही हमारा यारो मददगार है, मोमनो मददगार है, मौला है, दस्तगीर है, मुश्किल कुशा है, या अल्लाह काफर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।